हेलो फ्रेंड, तो इस बार आप देख ही रहे हैं क्या चीज़ लाया हूँ आपके लिए। एकदम दूसरा सफ़ेद संगमरमर जो कि आप देख सकते हैं, बड़े बड़े लोड हैं ये, और इनका साइज़, जी हाँ साइज़ भी मैं देख सकते हैं आप, ये है 90 इंच, मतलब कि 90 इंचिस इसकी लंबाई है और 48 इंच इसकी हाइट है, और 41 ये पीस हैं, देख सकते हैं दूध से सफ़ेद एकदम। जैसे ये आगे हैं वैसे ही सारे पीस वाइट पीछे हैं, ऐसे नहीं पीछे ब्लैक डाल दिए आगे वाइट डाल दिए, सेम साइज और सेम कलर्स, एकदम बड़े बड़े ब्लॉक हैं, सुपर वाइट दूध सा सफ़ेद संगमरमर। जब ये किसी की बंगले या किसी ऑफिस में लगता है तो पूछिए मत फ्रेंड, कितना ज़बरदस्त लगता है ये लगाने के बाद में। ऐसे ब्लॉक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसकी साइज़ लंबाई देख सकते हैं आप, काफ़ी माल है फ्रेंड। इसको ढक के रखना पड़ता है मिट्टी धूल से, ये ख़राब ना हो जाए, इसके लिए देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत मकराने का संगमरमर ये है दूसरा सफ़ेद। इसी के साथ में आज दिखाएंगे अल्बेटा की फिक्सिंग जो कि कैसे ऑफिस के अंदर की गई है। ये पिलर बनाए हैं और ये ग्रुप दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये है अल्बेटा। अल्बेटा के अंदर फ्रेंड आप जब ये अल्बेटा लगाओगे तो इसके बाजू में ये ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी डालोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड, देख सकते हैं अल्बेटा। ये है सीढ़ियों पर भी काम किया गया है मार्बल का, काफ़ी खूबसूरत काम है अल्बेटा का फ्रेंड। कोई भी मार्बल से जुड़ी चीज़ हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं मुझको, देख सकते हैं किस तरह से शाइनिंग मार रहा है फ्रेंड। आपको एक बार इसको बाहर से भी दिखाता हूँ अच्छे से कैसा लगता है ये ऑफिस जब इसके अंदर अल्बेटा की फिक्सिंग की गई है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप होलसेलर प्राइस और एकदम चीज़ जो कि अच्छी और ओरिजिनल चीज़ होती है, यही कहते हैं इससे ही मकराना संगमरमर अल्बेटा। ये वो है अल्बेटा और ये है वाइट। ये वाइट अमेरिका के वाइट हाउस में भी लगाया गया है, सऊदी अरब में भी लगाया है, बहुत सी बड़ी बड़ी जगह पर अल्बेटा की डिमांड आती है फ्रेंड। वीडियो को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का आप लाभ उठाएं और होलसेलर प्राइस में मार्बल ख़रीदें, और मकराना आए तब दलालों से सावधान रहिए, डायरेक्टली ओनर से ही ख़रीदिए, आपको रास्ते में रोका जा सके। हमारे पास सस्ता मार्बल है अच्छी क्वालिटी का और वो आपको बाहर का मार्बल दे देते हैं, और आप ऐसे समझते हैं आप मकराने का पत्थर ख़राब है, नहीं सर, मकराने का पत्थर आप देख सकते हैं दूध सा सफ़ेद, इसके बारीक क्रिस्टल कैसे ये धूप में चमकते हैं। तो फ्रेंड अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है और मैं हर बार क्या चीज़ दिखाता हूँ आपको। मोहम्मद इस्माइल गैसावत, गुड बाय फ्रेंड, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए।